हरियाणा के बहादुरगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। INLD अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। INLD के प्रदेश अध्यक्ष और बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में नफे सिंह समेत एक सुरक्षा कर्मी की भी जान चली गई है। इस हमले में उनके 3 सुरक्षा कर्मियों को भी कई गोलियां लगी थी। बराही फाटक के पास बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस हमले में नफे सिंह राठी के गले में 2 गोलियां लगी थी, जिस वजह से उनकी मौत हुई। इसके अलावा उनकी कमर में भी कई गोलियां लगी थी। इस हमले में एक सुरक्षा कर्मी की भी मौत हुई है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक बदमाश I-10 गाड़ी में सवार होकर आए थे। उन्होंने नफे सिंह की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। हमले में घायल दूसरे सुरक्षा कर्मियों को ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से एक सुरक्षा कर्मी की मौत की खबर आई। हमलावर कहां से आए थे और किधर चले गए, पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस फिलहाल जिस जगह हमला हुआ उसके आसपास के CCTV खंगाल रही है। बता दें कि नफे सिंह राठी INLD के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो खुद बहादुरगढ़ से INLD के विधायक भी रह चुके हैं। इस हत्याकांड को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि हरियाणा में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष श्री नफे सिंह राठी जी की गोली मारकर हत्या करने का समाचार बेहद दुखद है। ये प्रदेश की कानून व्यवस्था को दर्शाता है। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। प्रदेश में आज कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। दिवंगत आत्मा को मेरी श्रद्धांजलि और परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि परिवारजनों को ये कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हमले में घायल हुए सुरक्षा कर्मियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मैं कामना करता हूं। दरअसल इसी साल 19 जनवरी को पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के बेटे के सुसाइड मामले में पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। जगदीश नवंबरदार के सुसाइड मामले में पूर्व विधायक नफे सिंह राठी समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो रखी थी। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी, हालांकि पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही थी। मामले की जांच के लिए एक SIT भी गठित की गई थी। SIT प्रमुख ASP अमित यशवर्धन ने बताया कि तमाम 6 आरोपियों को पकड़ने के भरपूर प्रयास किए जा रहे थे। मुख्य आरोपी नफे सिंह राठी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था, ताकि आरोपी देश छोड़कर ना जा सके। तो वहीं SI अश्विनी को भी पुलिस विभाग से सस्पेंड कर दिया गया था। इस मामले में नफे सिंह राठी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती उससे पहले ही उनकी आज हत्या कर दी गई।